बिहार जेल के परिसर में रक्षाबंधन कार्यक्रम हुआ, इसमें आपको कैसा लगा, थोड़ा सा कुछ बताइए। नहीं देखिए, ये तो वाकई ही खुशी की बात भी है, हर्ष का विषय है कि आश्रम बापूजी के आश्रम से संत लोग आए यहाँ पे और उन्होंने इस आश्रम में जो कि हमारे 18 साल से 20 साल तक के जो बच्चे हैं उनका क्या कहते हैं भजन कीर्तन की तरफ ध्यान दिलाया और साथ साथ उनके साथ जो भजन कीर्तन करके जो उनके मन में कुछ विकार से थे उनको नष्ट करके कुछ नई ऊर्जा का जो प्रदान किया है वो वाकई ही तारीफ के बाद भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जो अच्छे कार्यक्रम हैं ऐसे मौक़ों पे होते रहें तो कम से कम इन बच्चों के जीवन में जो है एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नई रोशनी होगी। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमें ऐसे कार्यक्रमों की हमें परमिशन देकर बच्चों का जो भविष्य है वो प्रशस्त करें। देखिए, हम तो खुद ही ये चाहते हैं कि ऐसे गुणी सज लोग यहाँ आते रहें आश्रम में और इन बच्चों का मार्गदर्शन बहुत ही करते रहें तो उससे इनमें जो जिनमें जो भटकाव आया हुआ है वो दूर होगा और ये कहीं ना कहीं इनके में एक ऊर्जा को एक नई दिशा मिलेगी। तो ये तो ज़रूर एक रेगुलर होना चाहिए। मैं देखता हूँ हमारा मन में दो चीज़ चलते हैं, अच्छे या बुरे। या तो हम बुरे मन में लग जाते हैं तो फिर हमारा मन डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, कुछ ना कुछ हम विध्वंस आत्मा करते हैं, और जब हम अच्छे कार्य के लिए तब करते हैं तो हमको बहुत कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। तो इसके विषय में आपको बताएंगे। इसी अच्छे मन के लिए कि मन में भटकाव ना आए, हम गलत दिशा में ना जाएं, इसी के लिए तो मुनि और ऋषि वगैरह और ये संत लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आश्रम बापू के आश्रम से इतना समय आप लोग निकाल के यहाँ आते हैं और इतना बढ़िया ज्ञान का वितरण करते हैं, ये तो बिल्कुल बिल्कुल एक पवित्र प्रसाद की तरह है, इसको तो कोई मना नहीं। आपने सब बेवाकी से अपने विचार में रखे।